नाज़रीन आप देख रहे हैं मास्टर टीवी, मैं हूं अयाज मोरस और आप जानते हैं कि मैं आपको ऐसे सेशन से, ऐसे लोगों से, ऐसे इदारों से मिलवाता हूं जो एजुकेशन के हवाले से, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से, नौजवानों की ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट के हवाले से काम करते हैं। और आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए ये एज़ाज़ है कि मैं एप्टिक लर्निंग पाकिस्तान के एक अदारे के साथ मैं मौजूद हूँ और उसका एक जो सेंटर है मेट्रो स्टार गेट वहाँ मौजूद हूँ। और आज इस अदारे में मौजूद होने का मकसद अज़मे आली शान के हवाले से आपकी जो मुलाकात, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो टीचर्स हैं, उन्होंने किस तरह से काम किया है और क्या जो है वो रिस्पॉन्स रहा नौजवानों का, और इस के साथ साथ आपको जो ज्यूरी मेंबर्स हैं जिन्होंने ये सारे कॉन्टेस्ट को जज किया, उनके ख्यालात, उनके तासरात भी जानेंगे। उन्होंने कैसे नौजवानों की स्किल को जज किया और वो क्या समझते हैं कि कैसे नौजवान जो है वो हमारे आईटी में अपनी स्किल्स को जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। और जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको बताया कि मेरा मकसद लर्निंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट और यूथ के हवाले से होता है। ऐसे अदारे, ऐसे लोग, ऐसे जो है वो इंस्टीट्यूशन जो लर्निंग के हवाले से, जो स्किल बेस्ड एजुकेशन के हवाले से काम करते हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो उनका काम है, उनको आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। और एप्टेक इस हवाले से बहुत उमदा काम कर रहा है और एक कॉर्पोरेट सेशन में भी जो है वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में उनका बहुत रोल है, जहां पर वो लोगों को ट्रेनिंग के हवाले से इक्विप कर रहे हैं, लर्निंग के हवाले से वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और एप्टेक को एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान को आईटी के मैदान में दुनिया में मुमताज़ करवाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। तो आज जो हमारी ये गुफ्तगू होगी, मैं आपको यहाँ का एप्टेक का विज़िट भी करवाऊँगा, उनके जो मैनेजमेंट है उनसे भी गुफ्तगू होगी, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से नौजवान जो है वो एप्टेक के ज़रिए और आईटी के ज़रिए अपनी जो स्किल्स हैं उनको इन्हेंस कर सकते हैं और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने प्रजेंट कर सकते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफरान यूसुफ, आई एम अ सीनियर फैकल्टी मेंबर एट एप्टेक मेट्रो स्टार गेट सेंटर। और कॉन्टेस्ट अज़म के बारे में आज हम बात करेंगे। कॉन्टेस्ट अज़म अपनी नौयत का एक मुनफरिद इवेंट, एप्टेक मेट्रो स्टार गेट ने इस वबा की सूरत हाल में अपने स्टूडेंट्स को इंगेज करने के लिए, स्टूडेंट के स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करने के लिए, प्लस उनको इनक्रेज करने के लिए कि वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, अज़मे आली शान मैं हूँ पाकिस्तान इस स्लोगन के साथ एक इवेंट अरेंज किया, जिसमें 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तीन डिफरेंट कैटेगरीज़ में, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और ज़बरदस्त बात यह कि इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के बाद स्टूडेंट्स ने अपने स्किल्स लेवल को एक नेक्स्ट स्टेज पर ले जाकर साबित किया कि पाकिस्तान की यूथ में जितना ज़्यादा टैलेंट है वो हमने देखा। स्टूडेंट ने भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। विनर्स के लिए एपिक मेट्रो स्टारगेट की तरफ से एक बेहतरीन सा प्राइस भी है इसके अंदर, ठीक है, कैश प्राइजेज हैं जो कि अराउंड 1.5 लाख तक हैं। और स्टूडेंट्स ने साबित किया है कि वो किसी से भी कम नहीं है। और स्पेशली हमें देखने को मिला कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बार एक कंपटीशन में पार्ट लिया और उसको विन भी किया। आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द विनर्स एंड स्पेशली द मैनेजमेंट ऑफ एप्टेक मेट्रो स्टारगेट। सबसे ज़्यादा जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने मेंटोरिंग की, अपने स्टूडेंट्स को तैयार किया, उनके स्किल्स को पॉलिश किया और मौका मिला उन्हें ये साबित करने का कि उनके स्टूडेंट्स सबसे बेहतर हैं। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर बींग द पार्ट ऑफ दिस सेशन। अस्सलामु अलैकुम, आई एम शाहनवाज़ खान, सेंट्रल अकेडमिक हेड एप्टेक मेट्रो स्टारगेट। कॉन्टेस्ट अज़म हमारा जो रिसेंटली अभी जो इवेंट है जो अभी अभी इख्तिताम पज़ीर हुआ आज, उससे रिलेटेड ये है कि जब ये इवेंट आया था स्टार्ट में तो हमारे सेंट्रल मैनेजर सर ताहिर अज़ीज़ का आइडिया था। तो उन्होंने जब मुझसे डिस्कस किया तो अकेडमिक से रिलेटेड और मेरी टीम से रिलेटेड, तो हमने फिर इसकी पॉसिबिलिटी को देखा, क्योंकि एक पैंडमिक सिचुएशन थी तो उसमें इस तरह का एक इतना बड़ा इवेंट करना और इस सिचुएशन में थोड़ा सा चैलेंज तो था, तो हमने एज अ चैलेंज लिया, ठीक है, मैंने और मेरी टीम ने इसको एज अ चैलेंज लिया। और फिर फैकल्टी से हमारी डिस्कशन हुई इस चीज़ के ऊपर, तमाम फैकल्टी को मोटिवेट किया इंडिविजुअली, और फिर उसके बाद हमने उनको मेंटोर डिसाइड किया, फिर उनके थ्रू हमने अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको मोटिवेट किया, उनकी स्पेशली जो उनकी रजिस्ट्रेशन थी वो उसका एक पूरा जो प्रोसेस था, बहुत सारे स्टूडेंट्स, फिर तमाम एक उनकी एक ट्रेनिंग का प्रोसेस था हमारा, जो पूरा 1 वीक तक हमारी जो ट्रेनिंग थी वो रही, जो स्पेशली जो मेंटोर्स थे उन्होंने वो ट्रेनिंग कंडक्ट की,
फिर उसमें से हमने जो बेस्ट जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको हमने इसमें पार्टिसिपेट करवाया, और उसमें तीनों कैटेगरीज के जो मेंटोर्स थे हमारे अलग अलग, उन्होंने मेहनत की उनके ऊपर। और एक उसके बाद जब हमने इसको स्टार्ट किया, बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, हम लोग भी इसको लेके बड़े एक्साइटेड थे, और उस जिस तरह उन्होंने मेहनत की, जो जितने भी 5 से 6 या 7 दिन हमारे इसमें लगे, तो मेंटोर्स उनके साथ थे और डे बाय डे, डे एंड नाइट वो काम कर रहे थे 24 आवर्स। तो एक बेहतरीन चैलेंज था और एक बहुत लर्निंग भी था हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए बहुत लर्निंग था। डेली बेसिस पे फैकल्टी से इंटरेक्ट करना, मेंटोर्स से इंटरेक्ट करना, स्टूडेंट्स को देखना, चेक करना कि क्या उनकी प्रोग्रेस है, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये तमाम चीज़ें एक एज आ हमने चैलेंज ली और एक्सेप्ट किया इसको, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ। थ्रू आउट द पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, एप्टिक मेट्रोस टारगेट के बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमने मैक्सिमम जो हमारी रजिस्ट्रेशन थी इसके अंदर उसके ऊपर हमने काम किया, और देन जो इसकी एग्जीक्यूशन थी ओवरऑल, उसमें मैं तमाम जितनी मेरी फैकल्टी है जिस तरह से उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने जिस तरह स्टूडेंट्स के साथ मेहनत की, इस तरह से रिमोटली रहते हुए काम करना थोड़ा सा एक चैलेंज होता है, एक फिज़िकली अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं सामने तो उनको मैनेज करना बहुत आसान है। तो फैकल्टी को तो मेरी तरफ से सलाम है जो उन्होंने काम किया। फिर जो एंड रिज़ल्ट था हमारे लिए, जिस तरह से बच्चों ने जो हमारे पास 9 की 9 पोजीशंस, तो मेरे लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे जो सेंटर मैनेजर हैं सरतार अजीज़, और जिस तरह का उनका आइडिया था, हमने मैक्सिमम कोशिश की कि हम उसको एग्जीक्यूट करें उसी तरह से, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको एग्जीक्यूट किया और हमने पोजीशंस गेट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हसन जावेद, डिप्टी सेंटर एकेडमिक ऑफ मेट्रो स्टारगेट। कॉन्टेस्ट हज़म एक बेहतरीन इवेंट हुआ है मेट्रो स्टारगेट की तरफ से, जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और 300+ हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि जितनी भी कैटेगरीज थी उसमें सारे विनर्स हमारे थे, ठीक। उसमें हमारे पास जो जितने भी विनर्स थे उनके लिए हमने एक प्रोसेस, एक कंप्लीट ट्रेनिंग का एक प्रोसेस रखा था, जिसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें कंप्लीट 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें कंप्लीट डेवलपमेंट सिखाई गई थी, रियल टाइम एप्लीकेशन बनाना सिखाया गया था कि किस तरीके से रियल टाइम एप्लीकेशन बनाई जाती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे तमाम तर स्टूडेंट्स उस पर पूरे उतरे और उन्होंने सारी पोजीशंस गेट की। मैं इसमें अपनी टीम को भी बहुत दाद देना चाहूँगा और उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने दिन रात इसमें मेहनत की और स्टूडेंट्स को 24 आवर्स टाइम दिया अपना, क्योंकि एक बहुत मुश्किल होता है फैकल्टी के लिए कि वो अपनी क्लासेस, इतनी सारी क्लासेस के बावजूद बच्चों को दिन रात बच्चों को मोटिवेट करना, इंडिविजुअली बच्चे को, बच्चे के साथ कनेक्ट रहना, और इस उनके जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह उन सब ने पोजीशन गेट की। और इसी तरीके से मेरी दुआ है कि सर जितने भी स्टूडेंट्स थे माशाल्लाह उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना कहना चाहूँगा मैं, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, जितने भी विनर्स थे, और ख़ास तौर पर जितने भी 9 लोग जो के जिन्होंने विन किया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बताया था कि हम आज एपटेक जो लर्निंग सेंटर है मेट्रो स्टारगेट वहाँ पर मौजूद हैं, और जो कॉन्टेस्ट हो रहा है अजमे आलीशान, उसकी जो यहाँ पर कवरेज आपको अब तक पहुँचा रहे हैं। तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं, और कुछ जो जैसे मैंने कहा था कि आप यहाँ की मैनेजमेंट और जो ज्यूरी मेम्बरान हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएँगे, और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम यहाँ पर एक ज्यूरी मेंबर सर बाबर आरा वली, जो के एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, यूके में हैं, इंटरनेशनल स्पीकर हैं और एक एंटरप्रेन्योर हैं,
उनसे जो है वो यहाँ पर आज विजिट में थे, तो उनके साथ जो है वो गुफ्तगू करने का हमें मौका मिला। तो सर थैंक यू सो मच वंस अगेन गुफ्तगू करने के लिए। और मुझे ये बताइएगा कि आपका क्या रोल था इस कॉन्टेक्स्ट में, और फिर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और नौजवानों को, क्योंकि आप एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान से बाहर रहे और अब पाकिस्तान में वापस आए हैं जी, तो एक गैप था नौजवानों में, कितना पोटेंशियल है, कैसा उनका जो फीडबैक था, उनका जो टैलेंट था उसके हवाले से आपको कितना इंस्पायर किया उन्होंने? जी आज बहुत खुशी हुई कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जिससे मैंने तकरीबन 18-19 साल पहले सही पढ़ा और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, मूव किया लंदन में, मैं अभी यहाँ पे विजिट पे हूँ, और मुझे इनविटेशन दिया टू बिकम अ ज्यूरी मेंबर एंड आई कुडंट यू नो रेजिस्ट और आई कुडंट से नो कि मैं उसको मना करूं। और एक बहुत फ़ख्र की बात होती है, एक बड़े ऑनर की बात होती है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से 18-20 साल पहले पढ़े हों और उसका हिस्सा हों, और उसके बाद 18-19 साल बाद आप वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके उनको इनक्रेज करने के लिए आप उनके एक कॉन्टेस्ट के ज्यूरी मेंबर बनो, उनके कॉन्टेस्ट को जज करो, तो इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी कि आप टेक लर्निंग के प्लेटफॉर्म से जो कॉन्टेस्ट अजमे अली शान हुआ उसका मैं जज रहा, और इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। सही। और मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बात करता हूँ जब से मैं पाकिस्तान में आया हूँ कि हमारे पास बेतहाशा टैलेंट, बिल्कुल इसमें कोई बेतहाशा टैलेंट है हमारे पास, आप किसी भी फील्ड को उठा लीजिए। और इस वक्त आईटी की फील्ड के अंदर एपटेक लर्निंग का जो एक किरदार है पाकिस्तान के यंगस्टर्स को बूस्ट करने के लिए, उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, उनको हर किस्म की फैसिलिटेशन देने के लिए, इट्स अमेजिंग। और इस कॉन्टेस्ट के हवाले से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि अभी जजमेंट हुई है और बस फैसला अभी आउट हुआ है, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल। और मुबारकबाद देना चाहूँगा टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स को, मुबारकबाद देना चाहूँगा विनर्स को। और मैं एक बात की निशानदेही करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को निभाया, ऑनेस्टी से अपने काम को निभाया। समबडी हैज़ टू बी अ विनर। और इसमें यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको एक बात करना चाहूँगा कि यंगस्टर्स हर एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करें पार्टिसिपेट करने की। आप जहाँ कहीं भी आपको मौका मिल रहा हो, नेशनली सिटी लेवल पे या इंटरनेशनली एज वेल। और एक बात आपको मैं एक खराज तहसीन पहुँचाना चाहूँगा कि एक बड़ा अच्छा सरप्राइजिंग एलिमेंट हुआ कि आप इस प्रोग्राम को, कॉन्टेस्ट अजमे अली शान को यंगस्टर्स की, नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए ये एक प्रोग्राम दोबारा अरेंज कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपको देखता हूँ, आपके प्रोग्राम को देखता हूँ, क्योंकि आपके पास जो एक कॉन्टेंट है वो तालीम, शऊर, एजुकेशन से भरपूर है। बहुत से नौजवान उस इन प्रोग्राम्स को देख के मुस्तफ़ीज़ होते हैं। कॉन्टेस्ट के पार्टिसिपेशन और कॉन्टेस्ट के विनर जो टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत जल्दी मैं सारी ज्यूरी से और जो के इस कॉन्टेस्ट को जिन्होंने अमली जामा पहनाया, इस कॉन्टेस्ट को जिन्होंने बताना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कराया है आपके इस तवस्सुत से, मैं ये कहना चाहूँगा कि टॉप 5 पार्टिसिपेंट, मैं इंशाल्लाह ज्यूरी मेंबर से भी आई एम गोना पुट माय हैंड्स डाउन और आई एम गोना बी डिस्कसिंग विद द पीपल हु ऑर्गेनाइज इट, जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, उन लोगों के साथ मैं अपने हेड्स डाउन करूँगा, डिस्कस करूँगा। और बहुत ही जल्द आप ये देखेंगे कि जो टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, इफ़ नॉट द विनर्स या टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स, बहुत ही जल्द इन जो ऑर्गेनाइजर्स की मदद से बहुत ही जल्द मैं इंटरनेशनल फोरम पे कोई अच्छे कॉन्टेस्ट में इन विनर्स को या इन टॉप 3 या इन टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स को हम अरेंज करेंगे कि दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इंटरनेशनली और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जिससे एपटेक लर्निंग की नुमाइंदगी होगी और नौजवानों की नुमाइंदगी होगी।
I'm very humbled and I'm very blessed. Wonderful. बहुत ज़बरदस्त सर, थैंक यू वंस अगेन सो मच आपकी इतने काइंड वर्ड्स के लिए और सारा हमें वक्त देने के लिए. नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम हमारी कोशिश है नौजवानों के हवाले से, IT के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हम आपको ऐसे प्रोग्रामों से जो है वो प्रोग्रामों से आप में आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे, ऐसे अदारों से जो इसके लिए कोशा है. तो आज हमारा ये विजिट जारी है, हम आपको मजीद लोगों से मिलाएंगे, हमारे साथ रहिए. थैंक यू. आपको खुश आमदीद कहते हैं. थैंक यू वेरी मच वक्त देने के लिए. अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस सेंटर में जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से, किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं और IT के हवाले से, और फिर जो ये कॉन्टेस्ट हुआ इसके हवाले से बताइएगा. बेसिकली अगर मैं एपटेक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ आपको, कि एपटेक वैसे ही एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, 5 कॉन्टिनेंट में, 40 कंट्रीज़ में 2500 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, और पाकिस्तान में 40 प्लस ब्रांचेस हैं, कराची में 20 प्लस ब्रांचेस हैं. उसमें एपटेक मेट्रो स्टारगेट ग्लोबली एक वन ऑफ द लीडिंग ब्रांच है. ज़बरदस्त. और मेट्रो स्टारगेट हमेशा से ही अपनी नई एक्टिविटी और इवेंट्स के लिहाज से बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स के दरमियान भी. हम टाइम टू टाइम ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते रहते हैं बच्चों, जिससे बच्चों में इंकरेजमेंट रहे, वो इंगेजिंग रहें, और खेल ही खेल में और कंपटीशन के एनवायरनमेंट में वो कॉन्टेस्ट खेलें और जीतें और अपने स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं. और इसी सिलसिले में जो हमारा कॉन्टेस्ट था, कॉन्टेस्ट अज़म, तू निशान अज़मे आलीशान, मैं हूँ पाकिस्तान. तो बेसिकली इसका मकसद ही यही चीज़ था कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चे घर बैठे बैठे इंगेज रहें और जो स्किल सेट वो हासिल करते रहें टाइम टू टाइम मुख्तलिफ सेमेस्टर्स में, उससे रिलेटेड जो है वो पार्टिसिपेट करें. इसमें 3 कैटेगरीज थी, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, 3 कैटेगरीज थी, जिसमें ना सिर्फ एपटेक मेट्रो स्टारगेट के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया बल्कि एपटेक की और ब्रांचेस के स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया. तो ये कॉन्टेस्टिज्म. सही. तो कैसा रिस्पांस रहा नौजवानों का, आप क्या समझते हैं कितना पोटेंशियल है हमारे नौजवानों में, और जब वो उसका इजहार करते हैं और कितनी खुशी होती है असातिज़ा को, पूरी आपकी टीम को जो इस सारे प्रोग्राम को अरेंज कर रहे थे और जो सारी ये चीज़ें एक आई सामने आई, तो इस हवाले से बताइए. डेफिनेटली इस पेंडेमिक सिचुएशन में इस तरह का कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करना आसान काम नहीं. बिल्कुल है. बिल्कुल, फिजिकली इंटरेक्शन में अपनी नौयत का बड़ा मुनफरद जो है वो प्रोग्राम. बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने इस तरह का कोई स्टेप उठाया इस पेंडेमिक सिचुएशन में जिसमें इस तरह के कंपटिशन्स हों. हमारा मकसद ये था कि जब इस पेंडेमिक सिचुएशन में जब कुछ और चीज़ नहीं लाइव थी, तो एक चीज़ ज़रूर लाइव थी, वो है टेक्नोलॉजी. बिल्कुल, जिसने एक दूसरे से सबको कनेक्ट रखा. ठीक है, अगर आप आज भी लोगों ने इस पैंडेमिक सिचुएशन में कम से कम लोगों को ये जरूर सिखा दिया कि ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आप चीज़ें कर सकते हैं, और उसमें ये चीज़ बड़ी है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर किया, लेकिन एपटेक मेट्रो स्टारगेट और एपटेक की और ब्रांचेस ने भी ये सेहरा उनके सर जाता है कि उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इंगेज रखा. तो जब क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, हमने कहा वाई नॉट कि हमारा जो कंपटीशन है, ऑल दो हम लोगों ने इसको प्लान किया हुआ था कि हम इसको फिजिकली तौर पे करेंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने इसको कहा कि जब सिचुएशन ऐसी है तो इसको हम ऑनलाइन लेके जाएं. तो इसका इसकी रजिस्ट्रेशन से लेकर इसका कंपटीशन, इसकी ओरिएंटेशन, फिर उसकी एवेल्युएशन, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हुई. बहुत ज़बरदस्त. तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया, क्योंकि इस सूरत हाल में जो था वो बड़ी मायूसी थी, फ्रस्ट्रेशन थी हर तरफ, और ख़ास तौर पर नौजवानों के पास, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज नहीं थी, बाहर नहीं जा सकते, अपने जो दिगर एक्टिविटीज़ हैं खेल कूद वो नहीं था. तो ऐसे मौके पर ये एक ऐसी एक्टिविटी ऑनलाइन तक क्योंकि एक्सेस थी, और उन्हें एक पॉजिटिव मैसेज देना, एक ऐसा जो है वो मुकाम देना कि जहाँ वो अपनी स्किल जो है वो उनको शोकेस कर सके, दुनिया को बता सके कि उनके अंदर ये पोटेंशियल है. तो आप क्या समझते हैं कितना इस कॉन्टेस्ट का रोल है नौजवानों में, ख़ासतौर पर उन नौजवानों में जो IT का रुझान रखते हैं, IT की तरफ आना चाहते हैं और जो इसकी अहमियत से
वाकिफ़ हैं कि अगर उन्होंने मुस्तकबिल में आगे बढ़ना है तो उनके लिए आईटी का जो है वो बहुत अहम रोल होगा उनकी ज़िंदगी में। देखिए, इस वक्त दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कि टेक्नोलॉजी के बगैर किसी लेवल पर है। आप मेडिकल साइंसेस ले लें, आप बैंकिंग एंड फाइनेंस ले लें, आप कोई भी ऐसी फील्ड ले लें, कोई भी इंडस्ट्री, मीडिया ले लें, मतलब अगर उसमें से टेक्नोलॉजी को निकाल लिया जाए तो वो क्लैप्स कर जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ ये नहीं कि अपने अपना फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी में बनाना हो तो ही आपको टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस या स्किल्ड होना चाहिए। आजकल आपको हर जगह पर, कोई ऐसा ऑफिस नहीं जहाँ पर कंप्यूटर्स ना हो, कंप्यूटर डिपार्टमेंट ना हो। तो हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप अगर मोबाइल स्मार्टफोन्स को भी लें तो वो भी टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहे हैं, आपका हार्डवेयर, आपका सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें, ये चीज़ें। तो हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत अमल दखल है और हमें अपने आप को स्किलफुल बनाना है। और एपटेक तो इस चीज़ के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड फेमस है कि हम स्किल बेस्ड जो स्टूडेंट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। हमारी प्रोडक्ट क्या है, हमारा स्टूडेंट क्या है, स्किल बेस्ड है, वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को वो 3 साल में सीखता है। और ये जो कंपटीशन है इसमें भी हमने 3 कैटेगरीज मुख्तलिफ स्किल के हिसाब से किए थे। जहाँ तक आपने रिस्पांस की बात की है, रिस्पांस बहुत बेहतरीन था, 300+ पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, ये टोटल जो जर्नी रही है हमारी थ्रू आउट द मंथ रही है कि हमने पहले रजिस्ट्रेशन स्कीम, फिर उसके बाद 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने मुख्तलिफ डेज में कंपटीशन स्टार्ट किए, और फिर वो जो इनकी सबमिशन थी वो ऑनलाइन थी, फिर एवेल्युएशन का 3 दिन का प्रोसेस था जिसमें हमारी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ज्यूरी मेंबर्स थे जिन्होंने इसको एवेल्युएट किया। और बच्चों को पता चला कि ये एक कंपटीशन नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी की तरह बच्चों ने लिया और उसको खेला, और मेरे हिसाब से हर बच्चा विनर है। डेफिनेटली जब कंपटीशन आता है किसी एक ने तो जीतना ही है, तो वो बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस थे। और मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा, जो विनर्स हैं उन्हें भी मुबारकबाद देना कि जो उन्होंने सीखा वो उन्होंने साबित किया के वो अजमे आलीशान है। बिल्कुल। आप कितना मोटिवेट होते हैं, कितनी खुशी होती है बहसियत उस्ताद जब नौजवान अपना टैलेंट सामने लेकर आते हैं, और इकबाल का नौजवान, अजमे आलीशान, और नौजवानों का पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, ये सारी वो चीज़ें हैं आईटी जहां पर बहुत मैटर करती है। तो कितनी आप पूर्व उम्मीद हैं और नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि हमारे नौजवानों में कितना टैलेंट है? देखें, बेसिकली मैंने जब एजुकेशन एपटेक को ज्वाइन किया था तो मेरा अक्सर मकसद था कि मेरा जो मैंने स्किल हासिल किए इतने सालों में प्रोफेशनल लाइफ की है उसमें इस लेवल पर आने के लिए इस कंपटीशन मतलब दौर में कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में। तो मैंने इसीलिए एपटेक जैसे इदारे को ज्वाइन किया, और इसमें मेरा ये कि भाई कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को स्किलफुल बना सकूं। बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों के टैलेंट की बात करें तो मैं इकबाल का ही वो शेर है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। तो बिल्कुल, और वो जो नम है वो मेरी फैकल्टी है जिसने बहुत मेहनत की है इनके स्किल्स को इस लेवल पर ले जाने के लिए, इनको इस काबिल बनाने के लिए कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। आप कॉन्टेस्ट अज़म के लिहाज से बात करें, हाँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो स्टारगेट के स्टूडेंट का लेवल ये है कि ई कंपटीशन, इकरा यूनिवर्सिटी का कंपटीशन हुआ, उसमें प्रोजेक्ट कैटेगरी में विनर और फर्स्ट रनर अप मेट्रो स्टारगेट के स्टूडेंट थे। मोबाइल एप्लीकेशन कैटेगरी में विनर जो मेट्रो स्टारगेट के स्टूडेंट थे। फिर प्रोकॉम जो था फास्ट यूनिवर्सिटी का कंपटीशन, उसमें विनर एपटेक मेट्रो स्टारगेट के थे। टेकविज हुआ था, 14 कंट्रीज़ का कंपटीशन था, उसमें जो टॉप 30 थे उसमें 23 पार्टिसिपेंट पाकिस्तान से थे। ठीक है, और फिर अभी टेक्ट्रॉन्स हुआ था जिसमें 16 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट थे, उसमें टॉप 50 में 10 पार्टिसिपेंट मेट्रो स्टारगेट थे और विनर भी मेट्रो स्टारगेट था। मेरे लिए तो हमेशा एक प्राउड फीलिंग होती है, और जब यहाँ भी किसी स्टूडेंट का नाम हो और फिर उसके साथ एपटेक का नाम हो और फिर उसके बाद मेट्रो स्टारगेट का नाम हो तो एक बड़ी खुशी होती है, एनर्जी आती है, बड़ी खुशी होती है, और ये पॉजिटिव वेव्स हैं। और मेरा हमेशा अपनी स्टूडेंट्स को लेकर मैं इंटरेक्ट हूँ, मेरी इंटरेक्शन अपने स्टूडेंट से डायरेक्टली है। मेरी कोशिश होती है कि बच्चा हर तरह के पार्टिसिपेट करे, इंगेज रहे और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे।
बहुत ज़बरदस्त, जैसे आपने ये पूरी सूरत हाल बताई, और मैंने क्योंकि अपने नाज़रीन के लिए बताता चलूँ, क्योंकि मैंने खुद पूरे सेंटर का विज़िट किया और इस पूरे कॉन्टेस्ट को मैं वॉच कर रहा था और इसके सारे प्रोसेस जो गुजर रहे थे और किस तरह से बच्चों ने अपने टैलेंट को शोकेस किया, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है उन नौजवानों के लिए, बहुत सारे नौजवानों के लिए मोटिवेशन है कि वो अगर अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनमें कितना पोटेंशियल है, वो इस पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को दूसरों तक बताना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। सर, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि मैं देखा भी और ये सारी चीज़ें कि किस तरह से नौजवान जो है वो इस आईटी के ज़रिए अपनी लाइफ बदल रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ की लाइफ बदल रहे हैं। बहुत सारे नौजवान आपको देख रहे होंगे, इनफैक्ट पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे नौजवान जो आईटी की तरफ आना चाहते हैं, जो समझते हैं कि एक तरफ हम देखें कि इस दौर में फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी है, और ये कहा जाता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे मुल्क के नौजवानों की लेकिन बेरोज़गारी है, वहाँ पर आप ये इस कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए एक ये ऐलान दे रहे हैं, एक पैगाम दे रहे हैं, एक मैसेज छोड़ रहे हैं उन लोगों के लिए कि अगर आप आईटी की तरफ आते हैं, अगर आप स्किल बेस एजुकेशन को हासिल करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप आगे बढ़ें। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारी इंडस्ट्री किसी भी और इंडस्ट्री से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है, क्योंकि देखें कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें टेक्नोलॉजी का पार्ट ना हो। फिर सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ठीक है, इसके अलावा आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कोई भी टेक स्टार्टअप कर सकते हैं। आपके सामने उबर, करीम, फूड पांडा जैसी ऐप हैं जिसमें जो अपने कोई भी टेक ऐप के तौर पे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, वो है फ्रीलांसर्स, ठीक है, फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको अवेल करके आप अपना घर बैठे अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और इस वक्त अगर इस पैंडेमिक सिचुएशन में कोई चीज़ लाइव है तो वो टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल सर, जैसे मैंने ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, बहुत सारे नौजवान बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास मोबाइल फ़ोन है और वो गाँव में भी देख रहे होंगे, देहातों में होंगे, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे इलाकों में देख रहे होंगे। तो 14 अगस्त भी आ रहा है, नौजवानों की बात है, एजुकेशन की बात है, लर्निंग की बात है, स्किल की बात है, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन नौजवानों को, उन बच्चों को, उन लोगों को जो जिनके ख्वाब बड़े हैं और जो पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए और आईटी में नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं? जिनके ख्वाब बड़े हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, तो ये फील्ड ऐसी फील्ड है कि जब आप मेहनत करते हैं तो ये आपको रिज़ल्ट बैक देती है, ठीक है, तो ये खुले हाथों से आपको देती है, आप मेहनत करेंगे इसमें आपके पास रिज़ल्ट है। और अब टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक ग्लोबल विलेज का पार्ट हैं और आपस में कनेक्ट हैं। आप देखें टिकटॉक जैसी ऐप जो है वो कहीं भी गांव में बैठे हुए बिल्कुल स्टार बन गया है, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी की बदौलत है। तो आप भी किसी ऐसी चीज़ की बदौलत, ठीक है, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं और डेफिनेटली अपने मुल्क का नाम तो रोशन कर ही सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब वैसे तो ये कॉन्टेस्ट था, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी को अपना कैरियर बनाते हुए, अपना फील्ड बनाते हुए पाकिस्तान के लिए अज़मे आलीशान बने और मैं हूँ पाकिस्तान बने। थैंक यू सो मच सर, आपके इस कीमती वक्त के लिए, कीमती ख्यालात के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको आज एपटेक लर्निंग सेंटर मेट्रो स्टारगेट का विज़िट करवाया और यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट हुआ उसके हवाले से आपको दिखाया किस तरह नौजवानों ने अपने टैलेंट्स को, अपनी स्किल्स को शोकेस किया, और जो ज्यूरी मेंबर्स थे यहाँ के मैनेजमेंट टीम से, उनके साथ भी आपकी गुफ्तगू करवाई। मकसद वंस अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारा मकसद लर्निंग पर, डेवलपमेंट पर और यूथ के हवाले से है कि जब नौजवान अपना टैलेंट सामने लेकर आते हैं, नौजवान जब अपनी स्किल्स को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो ना सिर्फ वो अपनी नुमाइंदगी करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, बल्कि अपने अदारे को, अपने ख़ानदान को, अपने कंट्री को आगे लेकर जाते हैं और उनकी वजह से उनके मुल्क का नाम रोशन होता है। तो मास्टर टीवी की जानिब से हम आपको ऐसे प्रोग्रामों से, ऐसे अदारों से, ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी से, उनकी आला खिदमात से आपको मुतारिफ करवाते रहेंगे, ताकि पाकिस्तान का जो माशरा है इसमें एजुकेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसमें एक नई जिद्दत, नई जो है वो रूप होकर जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी और इसी तरह से हम आपके साथ जो है वो रहेंगे। तो हमारा चैनल देखते रहिए और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए।